Assalamu alaikum viewers, we are back with another video. PSL season 6 is going amazing और लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं. पेशावर ज़ल्मी ने बहुत क्लोज बेंचमार्क अचीव किया और लोगों का इसमें क्या कहना है, आइए चलते हैं वीडियो की तरफ. पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? हम मुल्तान को सपोर्ट किया था कल और पेशावर को भी सपोर्ट है हमारा, लेकिन मुल्तान को ज़्यादा सपोर्ट किया था कल ताकि वो जीत जाए, पर लेकिन पेशावर ने जीता है और अच्छा खेला था. पेशावर ज़ल्मी जीत चुका है, बहुत क्लोज विनिंग थी, कैसा फील हो रहा है? देखिए, मैं उनको सपोर्ट कर रही हूँ तो मुझे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, यू नो आई एम प्राउड ऑफ लव पेशावर ज़ल्मी. मुल्तान सुल्तान लॉस्ट, हाउ डू यू फील? चलें कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह बहुत अच्छे खेलेंगे, बेस्ट ऑफ लक फॉर अहेड. कोई बात नहीं. अच्छा मुझे ये बताइए कि इनकी बिगेस्ट वीकनेस क्या थी, व्हाई डिड दे लॉस? ज्यादातर फील्डिंग और बॉलिंग का थोड़ा इशू होता है मुल्तान सुल्तान को. मुल्तान सुल्तान लॉस्ट, कैसा फील हो रहा है? बहुत दुख हुआ है और शायद अफरीदी उस टीम में है तो लाला को देखकर भी बहुत खुशी होती है, लेकिन जब मुल्तान हारी है तो इसमें बहुत दुख हुआ है. Obviously, we are Lahori and we also support Lahore. Do you think Lahore Qalandars Peshawar Zalmi से जीत जाएंगे? Obviously, वो एक पावरफुल टीम है एंड वी सपोर्ट पेशावर को. पेशावर जीत गया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा था और बहुत ज़्यादा हमने सोचा था कि पेशावर जीतेगा और पेशावर ने बहुत अच्छी बैटिंग वगैरह की, बॉलिंग में थोड़ा सा उनसे हुआ था पर बैटिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी. अच्छा, इट वाज अ वेरी वेरी क्लोज मैच, क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? जी, क्योंकि वो स्कोर अच्छा किया था मुल्तान ने तो फिर तो होना ही था, मैच क्लोज ही होना था. हम ज़ल्मी जो है उनको सपोर्ट करते हैं, वो हमारी फेवरेट टीम है. ज़ल्मी तो जीत गए, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है और उन्होंने अच्छा खेल पेश किया, इस वजह से वो जीत गए. डेफिनेटली वो यार लाहौरी है तो हम लाहौर के सपोर्ट करेंगे. अच्छा, कल का मैच था मुल्तान सुल्तान का था तो मुल्तान सुल्तान लॉस्ट. यस, तो मुल्तान सुल्तान लॉस्ट, व्हाट आर यू फीलिंग अबाउट देम? देखें जी, इसमें नो डाउट अबाउट मुल्तान सुल्तान की जो बैटिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आई थिंक उनकी बॉलिंग सिलेक्शन ठीक नहीं है. अब लाइक आप सुहेल तनवीर को ले लें, वो राउंड अबाउट 30-35 ईयर ओल्ड, अब इस एज में फास्ट बॉलर के वो 4 मिनट रहते, मेरे ख्याल में उन्हें बॉलिंग में तब्दीली करनी चाहिए अच्छे और यंग एनर्जेटिक बॉलर लेके आने के लिए, इसमें कोई डाउट वाली. सो कि नेक्स्ट टाइम अच्छा खेलेंगे. वो क्या लगता है कि उसमें से बेस्ट प्लेयर कौन सा है जिसने टीम को सबसे ज्यादा सेव करने की कोशिश की? शाहिद अफरीदी. यू नो, शाहिद अफरीदी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? वी लव शाहिद अफरीदी. आप मुझे ये बताएं कि उनकी बिगेस्ट वीकनेस क्या थी, आपको क्या लगता है वो क्यों हारे, क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज थे वो. बॉलिंग की वजह से हारे, रन तो इतने ज्यादा थे, 194 रन बहुत ज्यादा था, लेकिन बॉलिंग की वजह से हारे क्योंकि बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं हुई. शायद अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग की है लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी चाहिए और मजीद बेहतरी लानी चाहिए बॉलिंग में. शायद अफरीदी को ये मैसेज है कि वो दिल छोटा मत करे और हम सब उसके साथ हैं और वो हम ऐसा ही उम्मीद है उसके साथ. क्या लगता है कि लाहौर कलंदर से ये मैच जीत जाएंगे? हाँ, जरूर इंशाल्लाह जीतेंगे, क्योंकि उनके पुराना जो है तजर्बाकार हैं डैरन समी साहब, वो हमारे मेहमान भी हैं. मोहम्मद रिजवान और जेम्स विन, जब शुरू में उन्होंने अच्छा स्कोर किया तब आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी? तब काफ़ी अच्छा लग रहा था और होपफुली लग रहा था कि शायद मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी को मतलब शिकस्त दे देंगे. जो विनिंग टीम थी उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ कौन सी थी? डेविड मिलर थी. और वीकनेस क्या थी? वीकनेस उनकी बॉलिंग में थी, उनको काफ़ी मार पड़ी जेम्स विन से. क्या मैसेज है मुल्तान सुल्तान के लिए, व्हाई डिड दे लूज? एक्चुअली आई लव अफरीदी, सो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट, वो हार गया उसकी वजह से, उनके लिए आई एम फील सॉरी फॉर देम. सो उनको मेहनत करनी चाहिए ताकि वो इससे ज़्यादा बेटर कर सकें.
जी, उनके लिए एक मैसेज क्या है? मैसेज यही है, बेस्ट ऑफ लक। अब यही मैसेज है कि मेहनत करें और मजीद मेहनत करें, और दिल लगा कर अगर मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह जीत मुकद्दर होगी। मैं यही मैसेज देना चाहूँगी लाहौर को कि आप सब लोग लाहौरियों की शान हैं, आप पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, आप खेलें, आप बहुत मेहनत करें और इंशाल्लाह आप जीतेंगे, हमारी दुआएं आपके साथ। यही है कि अच्छा वो खेले हैं वगैरह, मुल्तान ने बहुत अच्छा 194 रन्स किए थे, बस यही था, और बॉलिंग उनकी थोड़ी सी सही नहीं हुई थी जिसकी वजह से वो मैच हार गए थे। हम उनके लिए चाहते हैं कि वो फाइनल मैच विन करें, हमारी उनके लिए अच्छी ख्वाहिशात हैं, हम उनके लिए दुआगू हैं। यही कि थोड़ी कोशिश और करें, स्ट्रगल अपनी बढ़ाएं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अच्छी नेक्स्ट जो है वो रिजल्ट हमें मिलेगा। कि उनको जिस तरह से वो खेल रहे हैं तो उनको थोड़ा सा और मेहनत करनी चाहिए ताकि वो इससे ज़्यादा अपना बेस्ट दे सकें। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू बेस्ट। हर जीत इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम एंड मुल्तान सुल्तान बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हमारी वीडियो को जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डू फॉलो अस एंड कमेंट डाउन बिलो। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।